बांटू, दर्द ना कहूँ मैं किसी से, बस तो से बांटू। जय श्री श्याम दोस्तों, मैं आ चुका हूँ बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर और सुबह के दर्शन में आप सभी को करवाने वाला हूँ। दर्शन करना चाहते हो तो फटाफट हमारे वीडियो देख लो, अब प्रॉपर दर्शन कराऊंगा। पहली वीडियो है जिसके अंदर खाटू श्याम जी के आपको ऑन वीडियो के अंदर दर्शन हो रहे हैं। तो सुबह के 4 बज रहे हैं और 4 बजे मैं आपको दर्शन कराऊंगा, तो बढ़िया वीडियो बनेगी। 3:30 हो रही है तो हम रात को ही निकल गए थे घर से और दर्शन करने के लिए। तो आने के लिए सबसे पहले तो आपको रिंगस आना पड़ेगा, रिंगस से आपको टैक्सी वगैरह मिल जाती है जो कि 50 रुपये लेती है, आपको तोरण द्वार उतारती है। तो तोरण द्वार से आप पैदल आ सकते हैं, ई रिक्शा में आ सकते हैं, 10 रुपये ई रिक्शा लेता है जो कि आपको खाटू श्याम बाबा के मंदिर पे छोड़ देता है। तो अभी सुबह कम भीड़ है इसलिए हम सुबह दर्शन कर रहे हैं, तो रास्ते में चलते चलते मार्केट भी घूम लो। तो जब भी आप आ रहे हैं खाटू श्याम जी के तो ये गुलाब का फूल ले जाना मत भूलिएगा, इसका प्राइस है 20 रुपये। माला वगैरह भी ले जा सकते हो और जो है अगर पेड़े का प्रसाद है वो भी ले जाइएगा। वैसे तो अंदर चढ़ता नहीं है प्रसाद, लेकिन आप ले सकते हैं, भगवान के सामने आप रख के भोग लगा सकते हैं। पेड़े का भाव बता देता हूँ 400 रुपये किलो, तो भैया ने भी लिया है मैंने भी लिया है। बहुत बड़ी बड़ी दुकानें भी आपको देखने के लिए मिलेगी। और आप घर के लिए किसी को गिफ्ट करने के लिए भगवान का सिंबल वगैरह ले जाना चाहते हैं तो वो भी ले जा सकते हो। जय श्री श्याम। दो गाइस जो भी निशान लेके आते हैं ना तो उनको ना बाहर ही यहाँ पे झंडे वगैरह ले लिए जाते हैं। ये देखो सबके झंडे वगैरह यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, अंदर ले जाना अलाउ नहीं है तो यहाँ पे ही जमा हो जाते हैं सब। और भीड़ देखो आप, जगह जगह गाइस एलईडी लगा रखी है, सामने अभी एलईडी लग रखी है जो अभी बंद है, बाकी ये दिन में एलईडी वगैरह चालू रहती है जिससे भी आप दर्शन वगैरह कर सकते हो ज़्यादा भीड़ होने पर। यहाँ एलईडी लगा गई, ये मेन गेट है, अभी नया गेट बना है और यहाँ पे 14 लाइन है, 14 लाइन आप देख सकते हो। अब क्या है फटाफट दर्शन हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट दर्शन करके आप बाहर एग्जिट हो सकते हैं। अभी मैं दूसरी बार दर्शन कर रहा हूँ, पहले मैंने दर्शन कर लिए थे। तो मेन गेट है, इसके बाद खाटू श्याम जी का मंदिर आ जाएगा जो मेन मंदिर है। और ये लाइन देख रहे हो, और देखो वो लास्ट वाली लाइन से दर्शन करोगे ना काफ़ी दूर से दर्शन होंगे। मैं अभी फर्स्ट लाइन में लग रखा हूँ जहाँ से दर्शन होंगे अभी। तो देखो फोटोग्राफी करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, लोग कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे जगह जगह गार्ड खड़े हैं जो कि आपको बार बार मना करते हैं फोटोग्राफी करने के लिए। मेन मंदिर में तो थोड़ा मुश्किल है, फिर भी कोशिश करूँगा वहाँ पर मैं थोड़ी वीडियोज़ वगैरह बना लूँ, आपको वीडियो में ही खाटू श्याम जी के दर्शन करवा दूँ। तो ये सामने जो देख रहे हो ना ये है मेन मंदिर, ये देखो ये मेन मंदिर है। और जो लास्ट वाली लाइन बता रहा था ना वहाँ से दर्शन करने में क्या होगा, दूर से दर्शन होंगे। देखो लोग दूर से दर्शन कर रहे हैं, अभी जहाँ जिस लाइन में मैं हूँ ना तो यहाँ से पास से दर्शन होंगे। तो गाइस ये मंदिर था, मैंने खाटू श्याम बाबा के आपको दर्शन करवा दिए, दर्शन भी हो गए। जय श्री राम। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जय श्री राम सभी को, जय श्री राम। तो दर्शन हो गए अच्छे से, मॉर्निंग के समय क्या फटाफट दर्शन हो जाते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो बाहर आ चुका हूँ मैं। तो गाइस जब भी आप आ रहे हो ना तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको जो होटल वगैरह ले रहे हो आप तो आपको मंदिर के पास में ही रूम वगैरह लेना है। तो रूम वगैरह पास में लेने से क्या होगा, आप जब आपका मन करेगा जब आप दर्शन कर सकते हो। वैसे तो मैंने आपको फ्री वाली भी यहाँ पे बता रखी है धर्मशाला, लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल पास वाली धर्मशाला बता रहा हूँ जहाँ पे आप रुक सकते हो, गेस्ट हाउस बोल सकते हो, धर्मशाला बोल सकते हो। देखो सामने आप देख रहे हो ना लोगों की भीड़, देखो मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, वो देखो लोगों की भीड़, वहाँ से लाइन लगती है मंदिर पे प्रवेश करने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो गाइस अभी जो मैं आया हूँ ना श्री श्याम आशीर्वाद गेस्ट हाउस से, अभी न्यूली बना है, नए रूम आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो सर यहाँ पे बैठते हैं, इनके मैं नंबर भी आपको दूंगा, उससे पहले मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। 1000 रुपये का रूम है, जो भी जैसे सीजन वाइज और भी कम हो जाता है, और मिनिमम 4 लोग एक रूम में रुक सकते हो, 4 लोग रुक सकते हैं। डबल बेड लग रखा है और अटैच लेट बाथ मिलता है, गर्म पानी की भी यहाँ पे सुविधा वगैरह है। तो अभी न्यू ओपन हुआ है तो एक्स्ट्रा बेड का भी कोई चार्ज नहीं है। तो ये जो आप रूम बता रहे हो 1000 रुपये में 4 लोग मिनिमम रुक सकते हैं, तो वो क्या है नॉन एसी होते हैं एसी होते हैं? एसी होते हैं। तो गाइस अभी गर्मी देखो, आपको पता है राजस्थान में कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो 1000 रुपये में 4 लोगों को अगर आपको एसी रूम मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, वो भी मंदिर के पास में। तो विजिटिंग कार्ड में अभी आपको बता रहा हूँ।
तो गाइस ये देखो, ये इनका विजिटिंग कार्ड है, आप इनको फोन कर सकते हो। जैसे कोई फोन पे बुकिंग कराना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है? क्यों ऑनली फोन करना पड़ता है? तो कुछ अमाउंट भी आपको देना पड़ता है एडवांस में? 50% अमाउंट आपको देना पड़ेगा, तब आपका ये रूम बुक करते हैं। टोटल 10 रूम है यहाँ पे और न्यू बनी है, तो यहाँ के रूम वगैरह काफी अच्छे होने वाले हैं, काफी आपको नीट एंड क्लीन यहाँ पे रूम मिलेंगे। तो गाइस इस बार दर्शन कर रहा हूँ मैं लास्ट वाली लाइन से, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दूर से दर्शन करने में किस प्रकार से दर्शन होते हैं। पहले उस वाली लाइन से दर्शन किए थे, इस बार लास्ट वाली लाइन से दर्शन कर रहा हूँ। उधर ज़्यादा भीड़ मिलती है, ये वाली लाइन बिल्कुल खाली है, तो इधर आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। उधर देखो भीड़, यहाँ पे टोटल 4 लाइन है, 1, 2, 3, 4 चार लाइन है। यहाँ से थोड़े दूर से दर्शन होते हैं, जैसे पहले जो दर्शन होते थे ना उसी प्रकार से दर्शन होंगे। तो अभी नई लाइनें बनी है, जो भी वो लाइनें देख रहे हो ना वो नई लाइनें बनी है। देखो यार, लोग आते हैं ना भगवान से मांगने आते हैं और यहाँ पे गंदगी फैला के जाते हैं, तो ये चीज़ें मत करा करो यार। तो कितनी गंदगी है, तो ये चीज़ जो भी दर्शन करने आ रहे हैं ना वो लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि गंदगी मत फैलाओ यार। भगवान के दर पे आप आ रहे हो और यहाँ पे आप भगवान से मांगने आ रहे हो, तो भगवान से आप कैसे मांगोगे जब आप खुद इतनी गंदगी फैलाओगे मंदिर परिसर के अंदर, तो भगवान आपकी कैसे सुनेगा? तो इस चीज़ों को ध्यान रखो। ये मेन गेट है, ये पहले वाला गेट है, यहाँ से पहले दर्शन होते थे, अभी क्या है लाइनें ज़्यादा हो गई तो अलग अलग बना दिए गए हैं जहाँ से आप दर्शन कर सकते हो। पहले इधर से दर्शन होते थे, सामने मंदिर, तो मैंने पास से भी दर्शन करा दिए, दूर से भी दर्शन करवा रहा हूँ आपको। तो गाइस ये देखो दूर से दर्शन, भीड़ देखो। तो देखो मैंने पास से भी दर्शन करवा दिया आपको, दूर से भी दर्शन करवा दिए। तो दूर से जो दर्शन करोगे ना उधर आपको प्रॉपर टाइम मिलता है, आराम से आप 5 मिनट खड़े हो सकते हो, हम तो 5 मिनट खड़े हुए हैं। तो दूर से दर्शन करने में भीड़ भी नहीं मिलेगी और आराम से दर्शन भी होंगे, दोनों चीज़ें। तो एक बार वापस आपको मंदिर दिखा देता हूँ मैं। पहले यहाँ से ही ना एग्जिट होती थी और अभी यहाँ वीडियो वगैरह बनाने नहीं दे रहे, तो मैंने दोनों तरफ से दर्शन करा दिए। दर्शन करके सब खुश हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे सुबह होती जा रही है भीड़ बढ़ती जा रही है। तो गाइस मैंने आपको करवा दिए हैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन, अलग अलग जगह से मैंने दर्शन कराए, एक पास से दूर से, और सारी चीज़ें मैंने बताई है। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको तोरण द्वार से कैसे आप पहुँच सकते हैं सारी जानकारी दी है, फ्री में आप रुकना चाहते हैं वो भी मैंने आपको बताया। आज की जो वीडियो थी हमने मॉर्निंग में बनाई है कि मॉर्निंग का कैसा माहौल होता है, कितनी भीड़ रहती है, और अगर आप श्याम बाबा के मंदिर के पास में अगर कहीं रुकना चाहते हैं तो कहाँ रुक सकते हैं, वो सारी जानकारी दी आपको। 2 बार दर्शन भी करा दिए हैं दूर से पास से। तो वीडियो कैसे लगी ज़रूर हमें बताना कमेंट करके, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो ताकि आप हमें सपोर्ट करें, तो हम आगे और ऐसे बढ़ते रहे, काम करते रहे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम।